तो बच्चों आज हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लिया हुआ है, देख सकते हैं ये डिफिकल्ट तो नहीं बट ईजी ही है, थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो ये बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था जिसकी वजह से मैंने थोड़े ये प्रॉब्लम लिए हुए हैं, ठीक है। और भी आगे हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके फर्स्ट प्रॉब्लम पर हम डिस्कस करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मे बी इन जीपी, ओके। हमें वो कंडीशन फाइंड आउट करना है जिससे कि इसके रूट्स जीपी में आ जाए, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। गिवन दैट ए एक्स क्यू प्लस थ्री बी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सी एक्स प्लस डी इक्वल्स जीरो, सिंस इसके रूट्स जो है कि जीपी में है, तो मान लेते हैं लेट इट्स रूट्स आर अल्फा बाई बीटा, अल्फा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये जीपी में है, बात जरा समझिएगा। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब भी कंडीशन की बात करें, ठीक है, जिसके रूट्स जीपी में हो, एपी में हो या फिर एचपी में हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम करते क्या है कि किसी एक रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी एक रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उस रूट्स की वैल्यू को ले जाकर के उस दिए गए इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जो रिजल्ट आएगा वही कंडीशन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम सम ऑफ रूट्स लेते हैं तो फिर दिक्कत होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेते हैं। सो अल्फा, वन मिनट, तो यहाँ से ये अल्फा बाई बीटा, अल्फा और अल्फा इंटू बीटा, और आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलते हैं हम लोग, माइनस डी बाई ए। आपको पता है कि एक क्यूबिक इक्वेशन है तो तीन रूट्स होंगे, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे तीन रूट्स लिए हुए हैं, ठीक है, जो कि ए पी में है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये बीटा से बीटा कैंसिल, सो अल्फा क्यू इक्वल वाट, माइनस डी बाई ए। तो देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा क्यू की वैल्यू माइनस डी बाई ए है, अगर केवल अल्फा की वैल्यू आई होती तो हम इसमें पुट कर देते, तो जो आता वही कंडीशन होता। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम जानते हैं कि अल्फा इस दिए गए इक्वेशन का रूट है, सो अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, सिंस अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन वन, सो वैल्यू पुट कर देते हैं ए अल्फा क्यू प्लस थ्री बी अल्फा स्क्वायर प्लस थ्री सी अल्फा प्लस डी इक्वल जीरो। अब एक चीज देखिए कि अल्फा क्यू की वैल्यू दिख रही है माइनस डी बाई ए, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस डी बाई ए यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आप समझिएगा इस बात को, अभी आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ से ये डी से डी इससे एक कैंसिल हो गया, बट माइनस डी प्लस डी ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो गया। जब यहाँ से ये कैंसिल होगा ए से ए तो बचेगा माइनस डी, और माइनस डी से ये प्लस डी भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं कि ये आ गया थ्री बी अल्फा स्क्वायर प्लस थ्री सी अल्फा इक्वल्स जीरो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि थ्री अल्फा कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बच जाएगा, बी अल्फा प्लस ओके सी, ये बच गया आपका जीरो। मतलब ये हुआ कि हमने थ्री और अल्फा कॉमन कर लिया, थ्री और अल्फा कॉमन कर लिया, तो बचेगा बी अल्फा प्लस सी इक्वल जीरो। और आप देख सकते हैं कि सी को अगर हम उधर ट्रांसफ़र कर दें, तो मैं कुछ इधर लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, सी को अगर मैं उधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो आप लिख सकते हैं बी अल्फा इक्वल माइनस सी। क्यों ऐसा पॉसिबल है, अब दोनों तरफ आप क्यूब कर दीजिए, ओके। तो क्यूब करेंगे तो फिर क्या आएगा, कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, ये बी अल्फा क्यू, बी का क्यू माइनस सी का क्यू। अच्छा, फिर यहां से आप देख सकते हैं कि अल्फा क्यू इक्वल व्हाट,
minus d by a minus minus d by a equal माइनस सी का क्यू, तो माइनस से माइनस तो ये कैंसिल हो गया, तो देख सकते हैं कि ये क्या हो गया बी क्यू डी बाई ए सी का क्यू। तो ये कंडीशन जो है कि हमें मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा इधर ट्रांसफर कर दीजिए, बी का क्यू डी माइनस ए सी का क्यू इक्वल्स जीरो, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ओके, आई होप कि ये बात जो है कि आपको समझ में आएगा, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर टू पर डिस्कस करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू भी सेम टू सेम उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें टेक्निक लगाना है, जिसकी वजह से ये कंडीशन आ पाएगा। कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इतना आ रही एच पी, ठीक है, इसके जो रूट्स हैं वो एच पी में है, तो हमें दिखाना है कुछ इस तरह से। ओके, मतलब ये कंडीशन हमें शो करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर टू पर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू है एक्स क्यू, ये गिवन है एक्स क्यू प्लस थ्री पी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स जीरो। अब इसके रूट्स एच पी में हैं, तो मान लेते हैं लेट इट्स रूट्स अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये एच पी में है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है, इसके रूट्स क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, इसके तीन रूट्स होंगे और तीनों एच पी में हैं, तो हम करेंगे क्या, हमने मान लिया कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं जो कि ये एच पी में है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। उसके बाद यहाँ सिग्मा अल्फा क्या होगा बता सकते हैं आप, सिग्मा अल्फा मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना आ जाएगा माइनस थ्री पी। ओके, और यहाँ से जो है कि सिग्मा अल्फा प्लस सिग्मा अल्फा इंटू बीटा, ये क्या आ जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो भाई ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस प्लस थ्री क्यू और अल्फा बीटा गामा। हो सकता मैं यहाँ पे तीनों मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, तीनों रिजल्ट हो सकता है, अगर यूज जो आएगा उसको मैं यूज कर लूँगा, उसके बाद जो नहीं होगा उसको नहीं यूज करूँगा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा क्या आ गया माइनस आर, क्योंकि ये प्लस माइनस में चलता है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये अल्फा बीटा गामा इसके जो रूट है अगर ये एच पी में है, तो वन बाई अल्फा वन बाई बीटा वन बाई गामा ये ए पी में होंगे, क्योंकि एच पी का उल्टा ही ए पी होता है, ठीक है, और ए पी का उल्टा एच पी, ठीक है, तो ये ए पी में होंगे, ठीक है। आप लिख लीजिएगा सिंस अल्फा बीटा गामा इट्स रूट्स आर इन एच पी, सो वन बाई अल्फा वन बाई बीटा वन बाई गामा इन ए पी, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये ए पी में हो जाएंगे तो देखिए क्या होगा, इसका करेंगे क्या, आप जानते हैं कि जो ए पी का कंडीशन होता है टी टू माइनस टी वन विल बी इक्वल्स टू टी थ्री माइनस टी टू, ये जो बेसिक है ए पी जी पी एच पी का, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसको आप इधर लेके आएंगे तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा टू बीटा बाई वन बाई अल्फा प्लस वन बाई गामा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करते हैं, टू बाई बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करें तो आप पाएंगे कि ये बन गया गामा प्लस अल्फा अल्फा गामा, और ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो टू अल्फा गामा विल बी इक्वल्स टू, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा तो बीटा गामा बीटा अल्फा या अल्फा बीटा। तो इधर देख सकते हैं कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा नहीं है, तो दोनों साइड में हम अल्फा गामा ऐड कर देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा थ्री अल्फा गामा, और इधर हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा
गामा अल्फा। ओके, अब क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर वन अगर मान लेते हैं, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर वन नहीं, ये नहीं, सॉरी ये इक्वेशन नंबर वन, ये टू और ये इक्वेशन थ्री, इसको हम इक्वेशन नंबर थ्री मान लेते हैं। तो इसके प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं क्या, यूजिंग इक्वेशन टू से, सॉरी इक्वेशन टू से थ्री अल्फा गामा इक्वल क्या पुट कर सकते हैं, बाय इक्वेशन टू, सॉरी ओके बात समझिएगा, ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा गामा इक्वल क्या, ये निकल गया। अब यहां से एक रूट हमें फाइंड आउट करना है, सिंस वी नो दैट अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस आर, तो अल्फा गामा इक्वल क्यू, यानी ये हो गया बीटा क्यू माइनस आर, तो यहां से बीटा बराबर क्या निकल गया, माइनस आर बाई क्यू। तो मैंने क्या कहा था कि आपको केवल एक रूट फाइंड आउट करना है, अगर ये निकल गया तो इसकी वैल्यू ले जाकर के हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो मैं पूरा क्लीन कर रहा हूं, ठीक है, पूरा क्लीन कर रहा हूं। सिंस बीटा इज रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ओके, सो बीटा की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे बीटा, बट मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, माइनस आर बाई क्यू का होल क्यू, थ्री पी माइनस आर बाई क्यू का होल स्क्वायर, थ्री क्यू माइनस आर बाई क्यू प्लस आर इक्वल जीरो, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस आर का क्यू क्यू का क्यू, और ये कितना आ गया, थ्री पी आर स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, यहाँ क्यू से क्यू खत्म, तो माइनस थ्री आर प्लस आर माइनस टू आर, ओके। अब यहाँ से हम करेंगे क्या कि इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए आर का क्यू प्लस यहाँ पे हो जाएगा थ्री पी क्यू आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू आर का क्यू, मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे q का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, यहाँ पे q q पर पावर q का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, तो ये उधर जाके जीरो, तो यहाँ से आ गया माइनस आर का q, थ्री पी क्यू आर स्क्वायर माइनस टू आर का q इक्वल्स जीरो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हम r r कॉमन कर ले रहे हैं, तो r कॉमन करेंगे तो मतलब ठीक है देख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट कॉमन करके जीरो भी कर दे रहा हूँ, तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा माइनस आर स्क्वायर थ्री पी क्यू आर माइनस टू क्यू, ओके। तो इसे हम कुछ उस फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, तो इसको मैं उधर लेके चले जा रहा हूँ, ठीक है, मैं उधर ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, तो ये कितना आ गया, थ्री पी क्यू आर माइनस आर का स्क्वायर टू क्यू का क्यू, और इसमें से हम आर कॉमन कर लेते हैं, तो थ्री पी क्यू माइनस आर इक्वल टू क्यू का क्यू। अब देख सकते हैं कि ये जो है ये रिजल्ट आ गया, हमें यही शो करना था, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है, प्रूफ हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या क्या वर्क किया इसमें, ठीक है। देखिए रूल पढ़ लेने से कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा बेसिक जो टेक्निक्स सवालों को सॉल्व करने की है वो आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब यही बेसिक टेक्निक अगर पता है तो आप जो है कि बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। तो मैं अब इस क्वेश्चन को क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री पर डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो मैं इसको अब क्लीन कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री जो है क्या कह रहा, कि सॉल्व द इक्वेशन इतना इतना द रूट्स बीइंग इन जीपी, ओके। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसके रूट्स किस में है, जीपी में है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थ्री, इक्वेशन दिया गया है
3x³ - 26x² + 52x - 24 = 0। अब इसके रूट्स जो है वो जीपी में है, ठीक है। तो लेट ठीक है, अल्फा बाई बीटा, अल्फा ठीक है। मतलब ये देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि इसके हमेशा सॉल्व करना है, और सॉल्व इस तरह से करना है कि इसके रूट्स जीपी में हों, ठीक है। बात वही है, जीपी में ही आएंगे इसके रूट्स। तो जीपी में लाने के लिए हम मान लेंगे कि इसके रूट्स जीपी में है, अल्फा बाई बीटा, अल्फा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और हमको ये बात पता है, हमको ये बात पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, प्लस माइनस यानी 24/3, जिससे कि माइनस में होगा, ठीक है। तो ये माइनस और इसका ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 8। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा क्यू इक्वल 8, तो अल्फा इक्वल 2। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा बेसिक है, एक रूट तो मिल गया, एक रूट जो अल्फा था वो हमें मिल गया, और हमें बीटा चाहिए, ठीक है। तो अल्फा मिल गया, अगर बीटा चाहिए तो बीटा की जगह पे यहाँ पे रख देंगे, तो ये पहला रूट, ये दूसरा रूट, और ये तीसरा रूट मिल जाएगा अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, सिंस देखिए अल्फा इक्वल टू बोलने का मतलब कि एक्स इक्वल टू आया, सिंस एक्स माइनस टू इच रूट ऑफ द इक्वेशन। जैसा कि हमने बताया था कि अगर x इक्वल टू इस दिए गए इक्वेशन का एक रूट है, फैक्टर थ्योरम में मैंने बताया था, तो इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो x माइनस टू, तो x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। तो अगर हम क्या करेंगे अब इसके बाद, x माइनस टू इसका एक फैक्टर है, तीन फैक्टर होंगे, देखिए पावर तीन है तो तीन फैक्टर होंगे, तो एक फैक्टर मिल गया, बाकी के दो फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे इससे, ठीक है। नाउ वी डिवाइड टू फाइंड अनदर फैक्टर, वी डिवाइड 3x³, मैं इक्वेशन वन लिख दे रहा हूँ इसको, इक्वेशन वन बाई x माइनस टू, ओके। तो डिवाइड करिए, देखिए करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। अब ये सिंथेटिक डिवीजन होता क्या है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी है, एक बार और आप इसको यहाँ समझ लें, ठीक है। तो हम इस डिवीजन में करते क्या हैं, एक मिनट, ये हो गया टू, ठीक है, ये टू हो गया, और इनके हम कोफिशिएंट लेते हैं, 3 - 26, 52 - 24। नो, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, मैं यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इसको छोड़ करके यहाँ लिखेंगे, और ये कितना आ जाएगा, -20, मल्टीप्लाई करेंगे तो -14, ये आ जाएगा 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और ये हो गया 0, ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है, और ये क्वेश्चन हो गया। तो इसको हम कैसे अरेंज कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे, एक्स और यहाँ पे क्यू है, तो ये हो जाएगा 3x² - 20x + 12 = 0। ये सेकेंड फैक्टर हो गया, पहले तो ये दूसरा फैक्टर आया, बात समझ में आया। मतलब ये हुआ कि अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, इस बीच वाले पार्ट को, ठीक है। देखिए मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का दो फैक्टर हुआ, पहला तो एक x माइनस टू आया, और दूसरा कितना आ गया, 3x² - 20x + 12 = 0, ये हो गया। तो पहला रूट तो ये मिल गया, ठीक है, और दूसरा रूट आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें, फैक्टर करें, तो बढ़ते हैं 36, और 36 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिसका सम कितना मिल जाए, 20, तो 18 × 36, 18 + 2, तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो x - 6 पहला, और ये हो जाएगा 3x - 2, तो x = 6, तो रूट्स कितना मिल गया,
रूट्स आर 2/3, अरेंज करिए जैसे कि जीपी में हो, 2/3 टू 6। अब देख सकते हैं कि ये क्या है, जीपी में है, ठीक है, ये रूट्स आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करते हैं, ठीक है, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इतना मे बी इन एपी। ओके, तो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए नॉट एक्स क्यू प्लस 3a1x² 3a2x प्लस a3 इक्वल्स 0। ओके, अब इसके रूट्स जो है कि हमें वो कंडीशन फाइंड आउट करना है कि इसके रूट्स किस में हों, एपी में हों, तो मान लेते हैं लेट इट्स रूट्स अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर इनका हम सम ऑफ रूट्स ले लें तो किसी एक रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। सो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा व्हाट, माइनस 3a1 / a0 खत्म, 3 अल्फा इक्वल माइनस 3a1 / 3 से 3 कैंसिल, a1 / यहाँ से अब क्या करिएगा, ठीक है, अल्फा की वैल्यू जो ये आई है इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वही रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा।